ऊर्जा धानी के पंप हाउस इलाके के एक मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने किया पर्दाफाश। शनिवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर कोरबा सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई कर तीन लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की है। सीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस को लगातार जिस्म फरोशी की सूचना मिल रही थी, जिस पर हमारे स्टाफ के एक आरक्षक को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसके बाद पास में ही मौजूद पुलिस की टीम के द्वारा सभी को धर दबोचा गया है, जिसमें एक महिला भी अर्धनग्न हालत में संदिग्ध अवस्था में मिली है। पकड़ी गई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लंबे समय से देह व्यापारी सूचना आते रहती थी बीच बीच में मुखबिर के थ्रू। कल सूचना प्राप्त हुई कि फिर से सुखिंदर नाम का व्यक्ति जो पूर्व में भी देह व्यापार में जेल जा चुका है और वो किसी लड़की से मुलाक है जिस पड़ोसी का धंधा कर रहा है। जब उसके घर पर छापा मारा गया तो जो आपत्तिजनक में महिला और पुरुष मिले उनके पास से आपत्तिजनक वस्तु भी प्राप्त हुई है। उनके ऊपर पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। उनके ऊपर धारा 3, 4, 5, 7 पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। उनको नई के मामले भेजा जाए। लड़की कहाँ से लाया गया था और कब से काम कर रहा था? लड़की जो है वो कोरबा क्षेत्र की रहने वाली है और क्योंकि पीड़िता है इसके बारे में लेकर। आरोपी जो है इसमें चापा के रहने वाले हैं, चापा कुसुमुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सुखिंदर के थ्रू संपर्क में थे, उन्होंने उपलब्ध कराया। कोरबा से रेणु जायसवाल की रिपोर्ट।